जी हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा, अपने यूट्यूब चैनल कमर चीमा के साथ। व्यूअर्स, आज मैं बात करना चाह रहा हूं कि एक इंडेक्स सामने आया है जिसकी मैं तस्वीर भी आपके सामने शेयर कर रहा हूं, जो इकोनॉमिस्ट एक मैगजीन है वो उसने अपना इंटेलिजेंस यूनिट 2020 डेमोक्रेसी का जो इंडेक्स जारी किया, और उसमें उन्होंने बहुत सारे ममालिक को रेट किया है कि कौन सा मुल्क कहाँ पे खड़ा हुआ है डेमोक्रेसी में। कुछ ममालिक को उन्होंने फुल डेमोक्रेसी कहा है, किसी को फ्लॉड डेमोक्रेसी, हाइब्रिड डेमोक्रेसी और अथॉरिटेरियन रिजीम्स भी कहा है। पाकिस्तान जो है वो हाइब्रिड रिजीम्स में आता है, जबकि भारत जो है वो फ्लॉड डेमोक्रेसी के के पैरामीटर में आता है। अब मैं जरा डिस्कस करता हूँ, ये तो वो हो गया कि जो इंटेलिजेंस जो इकोनॉमिस्ट का जो इंटेलिजेंस यूनिट है उसने मेयर करने की कोशिश की है कि पाकिस्तान और भारत की डेमोक्रेसी को और पूरी दुनिया की डेमोक्रेसी को, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान और भारत की अक्सर बात होती है तो हमें सारी बात है, मैं उसको एज ए कंपैरेटिवली डिस्कस कर रहा हूँ। इंडिया की जमहूरियत पाकिस्तान से काफी बेहतर है क्योंकि वो जो है वो आते हैं फ्लॉड डेमोक्रेसी में, हम आते हैं हाइब्रिड रिजीम में आते हैं। इंडिया का वैसे भी जो नंबर है वो 53 आया है इसके जो इकोनॉमिस्ट का जो इंटेलिजेंस यूनिट के मुताबिक के 53 पे गया है, लेकिन जो परेशानी की बात भारत के लिए है वो कि 27वें में से 53 पे चला गया, जबकि पाकिस्तान तो 105 नंबर पे आया, जो कि बहुत ज्यादा पीछे है। हम जमहूरियत के हवाले से हमारी कोई इतनी अच्छी पोजीशन नहीं है। क्यों हमें हाइब्रिड रिजीम कहा जाता है, उसमें इकोनॉमिस्ट ने कुछ चीजें डिस्कस की हैं। फॉर एग्जांपल इकोनॉमिस्ट ये कहता है कि जी सिटीजन इंडिपेंडेंस नहीं है। अच्छा, ये देखना है कि पाकिस्तान में क्यों सिटीजन इंडिपेंडेंस नहीं है और ये क्यों कर इस तरह हो रहा है कि जी ये कहा जा रहा है कि सिटीजन इंडिपेंडेंस नहीं है। और जो दूसरी बात है कि वो कहते हैं कि जी इलेक्टोरल सिस्टम फ्लॉड होता है, जहां पे इतना अच्छा इंतहाबी निज़ाम नहीं होता कि वहां पे जमहूरियत जो है वो पनप सके, या इतना अच्छा इंतहाबी निज़ाम नहीं है कि वहां पे जमहूरियत जो है जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो अच्छे उम्मीदवारों को सामने लेके आए। इस पे भी थोड़ी डिस्कशन होनी चाहिए, जारी बात है। लेकिन इसके साथ साथ वो कहते हैं कि जी पॉलिटिकल कल्चर नहीं है पाकिस्तान का, जो पॉलिटिकल कल्चर है जिसमें सियासी जमातों को ने किस तरह की डेमोक्रेटिक वैल्यूज खड़ी की हुई हैं, वो उसकी भी डिस्कशन हुई है कि वो किस तरह का है। अमूमन जो हाइब्रिड निज़ाम होता है उसमें जो चीज देखी जाती है हाइब्रिड निज़ाम में, वो ये होता है कि वहां पे जो शहरी होते हैं, जो सिविल सोसाइटी होती है वो कमजोर होती है। सो हमारे यहाँ पे सिविल सोसाइटी को एक कमजोर सोसाइटी कहा गया है, और सहाफियों के हवाले से भी डिस्कस किया गया है कि उनके ऊपर काफी दबाव का सामना रहता है, और ये भी कहा जाता है कि अदलिया भी उस तरह आजाद नहीं होती जिस तरह आजाद होनी चाहिए। सो जब ये सारे इंडिकेटर मिलते हैं तो ये फिर सपोर्ट करते हैं जो कि किस मुल्क में कितनी अच्छी जमहूरियत है, क्या फुल डेमोक्रेसी है, क्या आपके पास फ्लॉड डेमोक्रेसी है, या आपके पास हाइब्रिड है, या अथॉरिटेरियन है। सो पाकिस्तान जो अथॉरिटेरियन से थोड़ा ऊपर है, क्योंकि यहाँ पे डेमोक्रेसी तो बहरहाल है ही है, लेकिन यहाँ पे वो फुल डेमोक्रेसी नहीं है या फ्लॉड डेमोक्रेसी भी नहीं है। सो पाकिस्तान को इन चीजों पे काफी काम करने की जरूरत है कि क्यों पाकिस्तान के अंदर ये तीसरी दफा है कि 2008 में एक सिविलियन सेटअप आया, फिर उसके बाद भी 2013 से 18 भी डेमोक्रेसी रही, फिर 18 से 23 तक ये एक डेमोक्रेटिक सेटअप है। पाकिस्तान में नॉर्मली जो पाकिस्तान का मीडिया हाइब्रिड रिजीम पाकिस्तान को कहता रहा है, वो इसलिए कहता रहा है कि पाकिस्तान में ये समझा जाता है कि शायद फौज और हुकूमत जो है वो मिलके पावर शेयर करते हैं, लेकिन ऐसा की कोई बात नहीं है कि फौज अपने दायरा कार में रहती है पाकिस्तान में, और जो नजर भी आ रहा है कि पिछले कुछ अरसे में फौज ने अपनी जिम्मेदारियां उसी तरह पेश की हैं जिस तरह पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ था, और जिस तरह के पाकिस्तान की सियासी हुकूमतें कहती रही हैं। लेकिन जब सियासी हुकूमतें फौजे पाकिस्तान से मदद मांगती हैं तो फिर फौजे पाकिस्तान एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री डेफिनेटली दे हैव टू जंप इन टू हेल्प एंड सपोर्ट द गवर्नमेंट। सो लेकिन ये कोई पैरेलल स्ट्रक्चर नहीं खड़ा हुआ, ये कोई सिस्टम विद इन द सिस्टम नहीं है कि जी पाकिस्तान में। लेकिन जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो मेरा ख्याल है डेमोक्रेटिक जो लोग हैं, जो सियासी जमातें हैं, उनके लिए बड़ी परेशान कौन है कि क्यों करके शहरी आजादी पाकिस्तान में नहीं है, क्यों क्या लोग बात नहीं कर सकते, क्या वाकई ही लोग अपनी बात करते हुए हिचकिचाते हैं, क्या उनको डर आता है, खौफ आता है कि शायद हमें जो है वो बाद में जो हम बात करेंगे हम उस बात के नीचे आ जाएंगे और हमें उसकी सजा मिल सकती है किसी तरीके से भी। इसी तरह इंतहाबी निजाम के हवाले से अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बड़ी बहस हो चुकी। भारत में तो आपको पता है कि
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और उस तरह, लेकिन पाकिस्तान में आज भी मैनुअल ये होता है, जो कि मैं समझता हूँ कि ये रिप्लेस हो जाना चाहिए, जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। और जो सियासी कल्चर है वो क्यों इतना कमजोर है, इस पर सियासी जमातों से ही पूछा जा सकता है कि वो क्यों करके इतनी पुरानी पुरानी सियासी जमातें हैं, क्यों करके वो ऑल्टरनेट लीडरशिप नहीं लाते। भारत में देखें, अगर बीजेपी को देखा जाए तो बीजेपी एक गो के उनका पोलिटिकल एजेंडा क्या है या डेमोक्रेटिक बिहेवियर क्या है, लेकिन उनके अंदर ट्रांसपेरेंसी सेंस में है कि वो अपने नया लीडर उठा के लाते हैं। सो कांग्रेस पार्टी जो है वो क्योंकि एक वो फैमिली ओरिएंटेड सारा नजर आ रहा था, तो उसको वो स्पेस उसकी कम हो गई है, वो नहीं उस तरह रही। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली पीएमएलएन हो, पीपल्स पार्टी हो, बाकी जितनी भी जमाते हैं, ये सारी की सारी वन मैन शो है, जो कि जारी बात है एक डेमोक्रेटिक कल्चर उससे बिल्कुल भी नहीं आ सकता, और ना ही कोई उम्मीद है कि डेमोक्रेटिक कल्चर उससे सामने आएगा और आ सकेगा। सो यहाँ पे आकर पाकिस्तान के अवाम, जो जारी बात है इस सारे सिस्टम की रूह रवा है, उनको सवाल करना है अपने अपने लीडर से कि वो इस तरह क्यों कर रहे हैं। इसी के साथ साथ जो फ्रीडम ऑफ मीडिया है पाकिस्तान में, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके ऊपर तो बहुत कदगने की बात होती है, अक्सर कहा जाता है कि उसको आजादी नहीं होती, जो लोग होते हैं जो सियासतदान बोल रहे होते हैं उनकी आवाज को म्यूट कर दिया जाता है, लेकिन जो अल्टरनेट मीडिया है पाकिस्तान में, सोशल मीडिया जैसे यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और बहुत कुछ, टिकटॉक, ये सारे के सारे बहुत अपनी मर्जी से बात करते हैं और जो उनका दिल करता है लोग कहते हैं। सो जारी बात है इसमें एक मीडिया के हवाले से, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर तो पाबंदी किसी ना किसी तरीके से नजर आ रही है, लेकिन लेकिन ये हुकूमत का काम होता है कि मेक श्योर करना कि जो फ्रीडम ऑफ मीडिया हो। इसी तरह अदालतों के हवाले से बात हो रही है, ऐसा अभी क्या नासिर हैं जो अदालतों को जो प्रॉपरली स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसके ऊपर भी मेरा ख्याल है एक प्रॉपर डिस्कशन होनी चाहिए, और ये जो इकोनॉमिक्स के इंटेलिजेंस यूनिट ने ये जो डिस्कशन की है इसको पाकिस्तान की पार्लियामेंट को डिस्कस करना चाहिए कि क्यों इस तरह हमारे बारे में कहा गया है, कि हमारे कहाँ कहाँ झोल है, हमें उन झोल को ठीक करना होगा। अगर हम नहीं करेंगे तो जारी बात है एक हमारी सुबकी होगी, और उस सुबकी जो है वो एक कोई अच्छी चीज नहीं है, हमें हर लिहाज में आगे की तरफ जाना है और ना ही इस तरह वो चीज़ों को बेहतर करना है। सो पाकिस्तान में हम हाइब्रिड रजीम को कहते हैं जी कि ना तो मुकम्मल जमहूरियत है और ना ही आमरियत है, लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त जमहूरियत है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जमहूरी जो लोग हैं वो किस हद तक जमहूरियत को खुद सपोर्ट करते हैं ये चीज़ भी देखने की है, वो किस हद तक चीज़ों को आगे लेके आते हैं ये भी चीज़ देखने की है। अगर भारत की बात की जाए और अमरीका को भी नाकस जमहूरियत, फ्लॉड डेमोक्रेसी कहा गया है, 2014-15 में जब नरेंद्र मोदी साहब आए, जो कि जिनको कांग्रेस जमात है, बीजेपी जो उनकी पार्टी है, तो जारी बात है जैसे मैंने पहले कहा कि उनकी आलमी पोजीशन 27 थी, 27 में से 53 में चले गए हैं। क्या भारत को इसका फर्क पड़ता है? भारत कहेगा जी हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो बहुत बड़ी डेमोक्रेसी, हम तो बहुत बड़ा मुल्क है, दुनिया को हमारी जरूरत है और हम दुनिया हमारे बगैर नहीं रह सकती। ठीक है, ये उनका एक अपना इंडिपेंडेंट पर्सपेक्टिव है, लेकिन डेफिनेटली एक इतनी बड़ी पॉपुलर डेमोक्रेसी होने के नाते उनको चाहिए कि वो अपने डेमोक्रेटिक कल्चर को अहमियत दें, स्ट्रॉन्ग बनाएं, लोगों को एम्पावर करें, ताकि जो वहां पे सही आवाज उभर सके। लेकिन वो सारी बात है, उनके पास ये भी जवाब पड़ता है कि भाई हमारे यहाँ एक चाय वाला जो कहाँ से नीचे ग्रास रूट लेवल से ऊपर अगर वजीर आजम बनाए, तो ये सिस्टम की ट्रांसपेरेंसी है कि वो आया है, सारी बात है वो है तो सही, इसमें तो कोई शक नहीं है, इसको हम इग्नोर भी नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी इसके ऊपर बहस होनी चाहिए। और जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उनकी सरबराही में जो ये इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट कह रही है कि मुस्लिम मुखालिफ पॉलिसीज आई हैं और मजहब की बुनियाद पर और नफरत की बेस के ऊपर जो है वो सियासी स्ट्रक्चर खड़ा किया गया है, जो कि जारी बात है अहम चीज है एक। इसी तरह भारत के हवाले से रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो शहरियत का मुतनाज़ा कानून था उसके ऊपर भी भारत को उन्होंने टफ टाइम दिया है, बाबरी मस्जिद के इंतहाम और कोरोना वायरस की रोकथाम के दौरान जो शहरियों की आजादियां के हवाले से भी बात की गई है के तस्कर आता है इसका। इंडिया के मुकाबले में इसके जो हमसाया है, जो पाकिस्तान जिसका जो हिस्सा रहा है अभी, बांग्लादेश और भूटान, वो जो है मजमूई तौर पे उनका जो स्कोर है वो बेहतर है, इवन कि पाकिस्तान का वो स्कोर कहते हैं बेहतर है कई चीजों में भारत से। सो लेट्स सी इसमें ये कैसे आता है, इवन कि अमरीका की जो जमहूरियत है वो डोनाल्ड ट्रंप की वजह से, उनकी क्यादत की वजह से नाकस जमहूरियत वाले ममालिक में शामिल हो गया, जो कि जारी बात है ट्रंप के लिए और अमरीकी गवर्नमेंट के लिए एक पूरा एक प्रॉब्लम है, क्योंकि उन्होंने पुरतशद जो रवैये थे उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया।
पाकिस्तान हो, भारत हो या कोई और मुल्क हो, उन सबको जिस चीज की फिक्र करनी चाहिए कि वो जमहूरी कल्चर की फिक्र करनी चाहिए, वो सिटीजन इंडिपेंडेंस की फिक्र करनी चाहिए, वो पॉलिटिकल कल्चर की फिक्र करनी चाहिए, अच्छा इलेक्टोरल निजाम लेके आना चाहिए। भारत में तो खैर वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, पाकिस्तान में ये निजाम आना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि जिसको हम वोट डाल रहे हैं उसी को वोट पड़ रहा है। ये कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि जो कि जी वोट जो है हमने किसी और को दिया और निकल किसी और का आया, ये जो अक्सर शिकायत होती है ये शिकायत नहीं होनी चाहिए। ये मैं आपके सामने बार बार ये चार्ट शो कर रहा हूँ ताकि आपके सामने आपको पता चल सके कि दुनिया को किस तरह कैटेगराइज किया गया है और ये क्या इसके पैरामीटर्स जो है वो रखे गए थे। आखिर में सिर्फ इतना कहूँगा कि एशिया के हवाले से सारी बात है, पाकिस्तान तो बहुत 105वें नंबर पे, भारत हमसे बहुत बेहतर पोजिशन में है इस हवाले से, लेकिन एशिया में और बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिसमें ताइवान है, जनूबी कोरिया और जापान जो है वो बड़ी अच्छी जमहूरियत जानी जाते हैं और एक बड़ी अच्छी चीज है। सो मेरा ख्याल है कि जो एक हमारे लिए बेंचमार्क होना चाहिए, जो एक यार्ड स्टिक होनी चाहिए, वो ममालिक होने चाहिए जहां पे अच्छी जमहूरियत है, भले वो कोरिया हो भले जापान हो, जिन्होंने तरक्की की है और वहां पे सिटीजनशिप जो इंडिपेंडेंस है, इलेक्टोरल सिस्टम तगड़ा है, वहां पे पोलिटिकल कल्चर बड़ा स्ट्रांग है, वहां पे सिविल सोसाइटी स्ट्रांग है, फ्रीडम ऑफ मीडिया वहां पे है और अबव ऑल जुडिशरी परफॉर्म कर रही है बेटर। सो व्यूअर्स, आज की इस डिस्कशन में यही आपसे डिस्कस करना था कि हाउ इंडिया एंड पाकिस्तान डेमोक्रेसी हैज बीन टर्म्ड एज बाय द इकोनॉमिस्ट, ने इसको क्या कहा है और उसके बारे में क्या चीजें जो है वो डिस्कस हुई हैं। उम्मीद है कि आपको ये पर्सपेक्टिव और ये आइडिया पसंद आया होगा कि हमें जो डेवलपिंग वर्ल्ड है, हम जितनी अच्छी जमहूरियत होगी उतना ज्यादा लोगों के पास हकूक होंगे। सो इन चीजों को समझना है कि जमहूरियत ये नहीं, हमें इस कहना कि इकोनॉमिस्ट ने ये क्यों कहा, भाई इकोनॉमिस्ट कहे, जैद कहे, बकर कहे, हम कहें, हमारे इंटरनल जो थिंक टैंक्स हैं, भारत के अंदर बहुत थिंक टैंक्स हैं जो रिपोर्ट करते हैं भारत की जमहूरियत के बारे में, पाकिस्तान में बहुत सारे थिंक टैंक्स हैं जो रिपोर्ट करते हैं पाकिस्तान की जमहूरियत के बारे में। सो उनके भी ऑलमोस्ट यही पर्सपेक्टिव होते हैं, कोई ये नहीं हमें सोचना चाहिए कि इकोनॉमिस्ट है जी बायर का मैगजीन है तो उसने ये क्यों कहा तो हम इसको खिलाफ हैं। देखना यह है कि हम कैसे बेहतरी कर सकते हैं और कैसे चीजें अच्छी हो सकती हैं, पाकिस्तान को हाइब्रिड निजाम से निकल के एक अच्छी जमहूरियत की तरफ जाना है और इसी तरह इंडिया को एक फ्लॉड डेमोक्रेसी की से निकल के फुल डेमोक्रेसी की तरफ जाना है। दैट्स हाउ वी ऑल कैन फ्लरिश एंड सोसाइटी एम्पावर होगी, लोगों के पास ताकत ज्यादा आएगी, लोगों के पास फैसला करने की ताकत जितनी ज्यादा होगी उतना ही मेरा ख्याल है ज्यादा अच्छा है। थैंक यू वेरी मच।